हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह। आज हम कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट 3 का वीडियो बनाएंगे, जिसमें आउटपुट्स की स्टडी करेंगे कि पीएलसी में हमें कितने आउटपुट लेने हैं। इसके लिए हमारे पास पीएलसी है, मैंने पहले भी बताई थी, मेक मिसुविशी की है, मॉडल FX2NC80MR। 80 मीन्स 80, इसमें आईओ है। आउटपुट एड्रेसिंग Y0 से Y7, Y10 से Y17, Y20 से Y27, Y30 से Y37 और Y40 से Y47। इस तरीके से 8 8 8 8 8, टोटल 40 आउटपुट इसमें है। इनपुट की स्टडी हम पहले कर चुके हैं, अभी हम आउटपुट की करेंगे। साथ ही साथ VFD में टैली मैकेनिक की है, जो इसमें लगानी है। मॉडल अल्टीवायर 11 है, ठीक है। ये हमारे पास दो मोटर्स हैं, हाइड्रोलिक मोटर। इसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्टर से चलाएंगे। सिंगल फेस है, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़, 0.37 किलोवाट, 2.5 एम्पियर, RPM 1400 है, ड्यूटी S1, IP55। ये पूरा मोटर का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिकेशन हम पहले एक वीडियो दे चुके हैं, मोटर का कैसे हम नेम प्लेट को स्टडी करते हैं, वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, आईपी क्या है, ड्यूटी क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी इसमें दी नहीं थी, इसलिए हमने एफिशिएंसी को शो नहीं किया। वैसे एफिशिएंसी जनरली हम मान के चलते हैं 85%, पर इसमें नहीं है तो इसलिए हमने लिखा नहीं था, ठीक है। बाकी मोटर में लिखी होती है। स्पिंडल मोटर 0.37 किलोवाट की है, 0.37 किलोवाट का 0.5 HP बनता है, ठीक है। 1440 RPM है, 3 फेस है, 220 वोल्ट है। ये 3 फेस में 220 है, 4 फेस 3 फेस में 415 नहीं है, 3 फेस में 220 है, क्योंकि ड्राइव को हम सिंगल फेस इनपुट देंगे, ओके। तीसरा है सोलेनोइड कॉइल्स। सोलेनोइड कॉइल्स हमारी यूकिन कंपनी की है, 220 वोल्ट में। तो सोलेनोइड वाल जो लगे हुए हैं वो भी मशीन पे अभी हम दिखाएंगे। तो एक बार मैं आउटपुट लिखना शुरू करूं, उससे पहले थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ये स्टूडेंट्स का ले लो और पैनल को भी एक बार देख लेते हैं। आओ, पैनल पे एक बार हाँ देखो, ये स्पिंडल मोटर है, लिमिट स्विच है जो पहले हमने बताए, और ये वाल्स हैं। थोड़ा वाल पे दिखाओ जरा, थोड़ा फोकस करो। ये वाल्स हैं, थोड़ा मैं चश्मा देना मेरा, ये वाल हैं, थोड़ा इस पर देखो, लाइट करें गैस में और दिख रहा है पूरा आएगा। ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल है, वाल्स की हमने वीडियो अलग से डाली हुई है, यूकेन कंपनी का है। आप देखो ना, ये एक ये है, एक वाल ये है, ये सोलेनोइड है, ये भी सोलेनोइड कॉइल है, ये भी सोलेनोइड कॉइल है, और एक वाल हमारा ये लगा हुआ है, ये डबल डायरेक्शनल डबल सोलेनोइड, ये डबल सोलेनोइड और ये सिंगल सोलेनोइड, ठीक है। एक मोटर इसमें 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है, ठीक है। नीचे मोटर है जो हाइड्रोलिक को चलाती है, ये हाइड्रोलिक मोटर है, इसको भी हम सर्किट में लेंगे, ठीक है। बाकी पैनल का मैं पहले बताया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये एसी ड्राइव लाना बेटा, एसी ड्राइव को लाना वहाँ से। ये देखो पीएलसी है, मिसुविशी मेक की है, FX2N80MR, दिख रहा है ना, देखो जरा ये पीएलसी का मॉडल है। और ये वायरिंग अभी हो रखी है ना, सभी वायरिंग हटनी है, अब ये दोबारा से रिवायरिंग होगी, पूरा पैनल हम खाली करेंगे, ठीक है। और ये देखो इधर भी ये पूरी कंट्रोल पैनल है,
ऑपरेटर पैनल सॉरी इसकी वायरिंग है, ये भी सभी हटनी है। तो अब हम ये कंप्लीट मशीन को दोबारा से रीवायरिंग करेंगे। तो अब जो तीसरा वीडियो आएगा, तीसरा तो है ये, चौथा पार्ट, चौथे या पांचवे में हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम आउटपुट की डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो एक बार चलते हैं बोर्ड पे, डिटेल डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, ड्राइव और एक बार खोल के दिखा देना। आउटपुट में सबसे पहले हम लेंगे वाई जीरो, देखो वाई जीरो से वाई सेवन है ना, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम वाई जीरो, वाई जीरो हम लेंगे हाइड्रोलिक मोटर ऑन, हाइड्रोलिक मोटर ऑन, ये वाली मोटर। ठीक है, ये हमारा पहला आउटपुट है जिससे हम हाइड्रोलिक मोटर को ऑन कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सिग्नल हमारा कहाँ जाएगा, वाई जीरो का कॉन्ट्रैक्टर पर जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमें मोटर चलानी है। ठीक है, दूसरा है वाई वन, वाई वन हम सोलेनोइड कॉइल वन को देंगे। वन सोलेनोइड है हमारा, जो पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड को फॉरवर्ड पहले डिटेल सब दे दिया है कि कौन सा किस पर्पज के लिए। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं हाइड्रोलिक मोटर ऑन, और इसका जो कॉन्टैक्टर है कोई भी, कि मान लो जैसे K1 कॉन्टैक्टर है, और 03 Y2 सोलेनोइड कॉइल 2, ये भी सोलेनोइड है 2, सिलेंडर 1 की है या स्लाइड 1 की है। ये स्लाइड 1 फॉरवर्ड करेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइड 1 फॉरवर्ड, और ये स्लाइड 1 रिवर्स। ठीक है, नंबर 3 4 Y3 सोलेनोइड कॉइल 3, ये मैं ये हटा देता हूँ, अब इसकी ये काम आपने देख ही लिया। हाँ, ये है स्लाइड 2 फॉरवर्ड। ठीक है, नंबर 5 Y4 सोलेनोइड कॉइल 4 स्लाइड 2 रिवर्स। ठीक है, स्लाइड 2 को रिवर्स करने के लिए। नंबर 6 Y5 1 2 3 4 5 सोलेनोइड कॉइल 5, ये फॉरवर्ड के टाइम पे Y3 के साथ Y5 ऑन होगा। ओके, Y3 के साथ Y5 ऑन होगा। नंबर 7 Y6, Y6 हमने लिया है ऑटो सेलेक्शन इंडिकेशन, ऑटो सेलेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, Y7 मैनुअल सिलेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, अब आता है Y10, क्योंकि Y7 के बाद Y8 और Y9 नहीं आएगा। ठीक है, Y10 हमारा आएगा हाइड्रोलिक ऑन इंडिकेटर, हाइड्रोलिक ऑन इंडिकेटर। Y11 है हाइड्रोलिक प्रेशर। ओके, हाइड्रोलिक का प्रेशर हमारा ओके होगा तो उसका एक इंडिकेशन हमको लेना है। ओके, Y12 स्लाइड 1
पोजीशन। मतलब स्लाइड वन हमारी जब होम पोजीशन पे होगी तो वाई वन टू इंडिकेशन हमको मिलेगा, वाई वन थ्री स्लाइड वन फॉरवर्ड, स्लाइड वन फॉरवर्ड, और वाई वन फोर स्लाइड वन रिवर्स का होगा सर। हाँ स्लाइड वन रिवर्स, ठीक है ना। ये वाई वन फोर तक हमारे हो गए, आगे हम इधर नोट कर लेते हैं। हाँ जी सर, Y15 Y15 स्लाइड टू होम पोजीशन, स्लाइड टू पोजीशन Y16 स्लाइड टू फॉरवर्ड होगा आई थिंक, स्लाइड टू Y16 स्लाइड टू फॉरवर्ड और स्लाइड टू, हाँ स्लाइड टू फॉरवर्ड, Y17 स्लाइड टू रिवर्स। अब 17 के बाद 8 और 9 नहीं आएगा, ठीक है। अब एड्रेस आएगा Y20, Y20 आएगा, Y20 हमने लिया है एल आई वन टू ऑफ आएगा ऑफ वी एफ डी, जो वी एफ डी का एल आई वन कनेक्शन है ना वहां पर ये सिग्नल जाएगा, ठीक है। वाई टू वन एल आई टू ऑफ वी एफ डी, Y22 LI3 of VFD और Y23 LI4 of VFD, ठीक है। ये हमारे आउटपुट्स हैं जो हमने यूज किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आउटपुट की डिटेल मैंने अभी आपको बताई है, अब हमारा अगला स्टेप है एक तो वायरिंग को हटाना है और दूसरा मशीन का हाइड्रोलिक सर्किट क्रिएट करना है, बनाना है ड्राइंग उसकी, और इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में पावर सर्किट बनाएंगे और कंट्रोल सर्किट बनाएंगे और उसके बाद हम फिर आइटम्स लगा के और वायरिंग करके और पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी पाँच चार या पाँच और अभी वीडियोज इसके निकल आएंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले दो पार्ट हमने दिए हुए हैं, उनको आपने समझना है तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मशीन की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए तभी उसका फायदा है। और इसमें अगर आपको कोई कमेंट्स या समझ में नहीं आया तो आप इसमें कमेंट्स दें और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, जिससे तीन या चार दिन में वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। उससे मिले उससे पहले पहले पूरी अपनी तैयारी करके रखें। अगले वीडियो में हम ड्राइंग बना देते हैं, हाइड्रोलिक की ड्राइंग बना देते हैं, एक में इसकी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बना देते हैं, एक या हो सकता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दो वीडियो बन जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और बाकी अगर वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर फिर भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, करीब 5000 समथिंग पड़ती है, जिसमें आपका पीएलसी एचएमआई स्काडा ड्राइव्स हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सीएनसी मेंटेनेंस, मतलब पूरा ऑटोमेशन और मेंटेनेंस दोनों का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें सीएनसी मेंटेनेंस भी इंक्लूड है, अलग से उसका कोई चार्ज नहीं होता। फानुक और सीमेंस कंट्रोल के साथ मशीन है, पीएलसी हमारे पास इसका ये मिसुबिशी सीमेंस ओबरॉन एलन ब्रेडली और डेल्टा,
ड्राइव्स हैं, ये जैसे सर्वो ड्राइव है, तो ये सब भी हमारे पास प्रैक्टिकल जैसे कराते हैं। अभी आप देखो सामने रखी हुई है, ड्राइव है, सर्वो मोटर है, तो ये चलता रहता है हमारा। तो आप इसे देखें, कोशिश करें इसी से समझने की, नहीं आता है तो हमारा ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं लेते, करीब 2 वीक्स में करा के दे देते हैं कोर्स, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इससे कोशिश करें इसी से समझने की, बाकी अगर नीड हो तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।